पीडीए में कोशिश होगी कि जनता में हर वर्ग को जोड़ा जाए। विधानसभा में इतनी बड़ी विजय दिया है, लेकिन लोकसभा में इससे भी बड़ी विजय देंगे, इससे भी अधिक वोट मिलेगा। विधानसभा चुनाव की परखलनी में जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण सरीखे जिन मुद्दों का प्रयोग विपक्ष 2024 के लिए उपयोग कर रहा था, तीन प्रदेशों की चुनावी प्रयोगशाला में वो पूरी तरह से फेल हो गया। हर मंच से ओबीसी का मुद्दा उठा रही कांग्रेस के ओबीसी कार्ड का परिणाम तो ये हुआ कि उसके ओबीसी मुख्यमंत्री भी अपना सूबा नहीं बचा पाए। लोकतंत्र में चुनाव हारना जीतना ये तो एक विषय है, पर निश्चित तौर से कांग्रेस ने मजबूती के साथ काम किया। आप तेलंगाना देखिए, जो कभी हम नहीं जीतते थे वहाँ हम जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा झूठ बोलकर राजस्थान में कहा कि 450 में सिलेंडर दे देंगे, केंद्र में आप सरकार चला रहे हो 500 में, अब छत्तीसगढ़ में दे देंगे, पूरे देश को 1000 में सिलेंडर देंगे, सब झूठी बातें करके उन्होंने वोट लिया है। इधर 2024 की चुनावी बिसात पर समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में सड़क से लेकर सदन तक पीडीए को हथियार बना रही है। अखिलेश यादव तो विपक्षी इंडिया के एजेंडे से परे भी पीडीए को प्रदर्शित करते रहते हैं। पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के आंकड़ों में 2024 में यूपी की 80 सीटों पर भी वो दावा करते रहते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में सपा का ये पीडीए फॉर्मूला साइकिल को शून्य से आगे नहीं बढ़ा सका। ऐसे हश्र और इन हालात में सवाल यही आकर ठहरता है कि क्या यूपी में पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक आदि का ये अखिलेश वाला फॉर्मूला यूपी का इम्तिहान पास कर पाएगा। इसे हमें उम्मीद है कि जनता में जो संदेश देने का काम समाजवादी लोग और इन सम्मेलनों के माध्यम से हो रहा है, हम लोग सफल होंगे, कामयाब होंगे और 24 में भारतीय जनता पार्टी को पीडीए हराएगा, एनडीए हारेगा, पीडीए जीतेगा। पीडीए में कोशिश होगी कि जनता में हर वर्ग को जोड़ा जाए। कुछ लोग आए ना आए, लेकिन ये जनता का पीडीए है। हालांकि तीन राज्यों के परिणाम और मौजूदा हालात में बीजेपी के लिए विपक्ष का ये कार्ड अब हैरान करने और हराने वाला नहीं दिख रहा। बीते दिनों विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पीडीए और जातीय जनगणना के मुद्दे पर तीखे शब्दबाण चलाते हुए इसे सपा का झुंझुना बताया था। वैसे भी तमाम सूबों से लेकर केंद्र सरकार तक बीजेपी के खाते में दलित पिछड़े नेताओं की एक बड़ी संख्या है। वहीं यूपी विधान परिषद में तो विपक्षी दलों से ज्यादा अल्पसंख्यक विधायक भी है। विधानसभा में इतनी बड़ी विजय दिया है, लेकिन लोकसभा में इससे भी बड़ी विजय देंगे, इससे भी अधिक वोट मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश का भी एक तरफा माहौल है। सपा बसपा कांग्रेस सहित जो भी भाजपा विरोधी दल हैं उनको कोई न पूछ रहा है और न उनका कोई असर है जनता के ऊपर। इसलिए 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार के लिए 80 के 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश की हम लोग जीतेंगे, ये हमें भरोसा है। बहरहाल 2024 की बिसात पर विपक्ष जिस जातीय जनगणना को ब्रह्मास्त्र बता रहा था, उसका प्रक्षेपण तो तीन राज्यों के रण में फेल हो गया। अब सवाल ये है कि जब ओबीसी आरक्षण और जनगणना पर कांग्रेस चुनाव हार गई, तो यूपी में कैसे चलेगा अखिलेश यादव का पीडीए वाला दांव।